हल्क को फ्रैंकलिन के पास जाना है क्योंकि एवेंजर्स ने उनको एवेंजर्स से निकाल दिया है। हल्क निकल चुका है एवेंजर्स से, हल्क कभी भी एवेंजर्स के पास नहीं जाएगा। फ्रैंकलिन मैं आ गया। अरे भाई ये कौन कबूतर है? अरे मैं कबूतर नहीं, मैं हूँ हल्क। अबे हल्क तू क्या कर रहा है यहाँ पे, ऐसे कैसे गिरा तू? अरे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई पर मैंने क्या क्या हुआ क्या वही तो बता। अरे मेरी बात सुनो, मैंने एवेंजर्स छोड़ दिया है, मतलब उन्होंने मुझे एवेंजर्स से निकाल दिया है। अरे क्यों, पर क्यों निकाल दिया? अरे वो सब छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी वरना मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि हल्क बहुत गुस्से वाला है। अरे अरे तू टेंशन क्यों लेता है, मैं तेरी बात मानूंगा ना, मैं तेरा दोस्त हूँ। अरे हाँ हल्क भैया, हम आपके दोस्त हैं, बताओ यार क्या हो गया? तो मेरी बात सुनो, एवेंजर्स ने मुझे निकाल दिया एवेंजर्स से, तो मुझे बनना है बहुत ही शक्तिशाली क्योंकि उन्होंने मुझे इसलिए निकाला है क्योंकि मैं कमजोर हूँ, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला, तो वह मेरा एक काम करना होगा। अरे हल्क तू टेंशन मत लेना, मैं तेरा काम बिल्कुल ढंग से कर दूंगा, चला शिनचैन अपन दोनों चलते हैं। तो गाइस यार अभी मुझे जाना है एवेंजर्स हाउस, आपको तो पता ही चल गया होगा कि वही हल्क को एवेंजर्स से निकाल दिया, तो अभी मुझे जाना है एवेंजर्स। और ये मुझे गाड़ी भी मिल चुकी, मेरे पास गाड़ी थी नहीं, तो फटाफट से बैठते इस गाड़ी में, शिनचैन और मैं बैठ चुके, तो फटाफट से चलते हैं अपन एवेंजर्स हाउस। और मुझे हल्क ने पूरी पूरी स्टोरी बता दी उसके साथ क्या क्या हुआ था, तो हमें चल के वहां से चुराना है हल्क बस्टर, मतलब हमें यार एवेंजर्स हाउस में घुस के एक बहुत ही बड़ा वाला सूट चुराना है, तो देखते हैं यार वो कैसे चुराएंगे। तो फटाफट एवेंजर्स हाउस, तो अभी मैं आ चुका और यहाँ पे मैं यार बिल्कुल सामने से जा रहा था, मैं भूल गया था कि मैं चोरी करना है, तो यहाँ पे मैं गाड़ी अपनी छुपाने वाला हूँ। तो गाइस यार अभी हल्क को यार बदला लेना एवेंजर्स से, तो उसको चाहिए और भी ज्यादा शक्ति क्योंकि यार अभी हल्क के पास जो शक्ति है ना उनसे यार वो लड़ नहीं सकता एवेंजर्स से, तो इसलिए उसे चाहिए यार हल्क बस्टर ताकि उनसे लड़ पाए। पहले तो मैं स्नाइपर निकाल के देख लेता हूँ, पहले यहाँ पे कोई गार्ड वार्ड तो नहीं खड़े। अरे मुझे लग तो रहा है यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स खड़े, अरे हाँ यहाँ पे तो आयरन मैन के बहुत सारे गार्ड्स खड़े, तो यार मैं मेन गेट से तो जा नहीं सकता, इसलिए मैं जाने वाला हूँ पीछे वाले गेट से, और वो सामने मुझे गेट दिख भी रहा है, तो फटाफट से चलते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे कोई है तो नहीं, पहले चेक कर लेते, एक सेकंड यहाँ पे स्पाइडर में लगता है पानी वानी पिया है, अगर ये मुझे देख लेगा तो भाई बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फटाफट से भाग के यहाँ पे छुप जाते हैं और किसी को भी पता नहीं चला हम यहाँ पे अंदर आ चुके। और यहाँ पे देखते हैं क्या है, और यहाँ पे ये क्या चीज है, और यहाँ पे पहले देख लेते हैं और कोई तो नहीं ना। हाँ यहाँ पे चल के देखते हैं, और यहाँ पे तो भाई बहुत सारी, अभी तो लोकी की स्टिक है, और ये थेनोस का हाथ, अभी आयरन मैन का हाथ, कैप्टन अमेरिका का हाथ, अभी भाई क्या ही तगड़ी तगड़ी चीजें पड़ी है। अगर कहीं सर आप चाहते हो कि मैं सारी सारी चीजें यार यूज करूँ, तो फटाफट से कमेंट कर दो, मैं एक वीडियो में इनकी सारी सारी चीजें यूज करेंगे ऐसे चुरा चुरा के। तो अभी चलते हैं, यहाँ पे तो कोई नहीं है, मुझे बिल्कुल ढंग से जाना पड़ेगा, अगर किसी ने भी देख लिया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, अगर उनको पता चल गया कि मैं हल्क के साथ हूँ तो ये तो क्या पता मुझे मार ही दे, क्योंकि उन्होंने यार हल्क को एवेंजर्स से निकाल दिया, क्यों निकाला है वो तो मुझे भी नहीं पता। तो अभी देखते हैं, और सामने यार कैप्टन अमेरिका टीवी देख रहा है, चलो देखते हैं चल के क्या देख रहा है। हेलो गाइस, के दोस्त सब लोग आप सबका स्वागत है जी डी5 के वीडियो में, मेरा नाम है वेगन। और गाइस अरे वाह, ये वरुण तक ये कितनी अच्छी वीडियोस बनाता है, इसके चैनल को तो मैं जरूर सब्सक्राइब करूंगा। अरे वाह, ये तो मेरी वीडियो देख रहा है, तो गाइस इसको वीडियो पसंद आ गई है, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो फटाफट से लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल पे सर्च करना, हमें 4 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दो। और गाइस ये उधर उधर देख रहे हैं, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, अरे भाई भागो भागो भागो, इनका मैंने थोड़ा सा ध्यान इधर उधर किया और मैं अंदर आ चुका हूं, और मैं इधर आया हूं क्योंकि जो भी यार सबसे खतरनाक खतरनाक सूट है वो टोनी यार इधर ही रखता है, वो यार ऊपर खुले में रखने नहीं वाला, वो अपनी अपनी लैब में रखेगा, वो रहा सामने हल्क बस्टर। और एक सेकंड, यहाँ पे तो बहुत सारे गार्ड्स खड़े हैं, पर मेरे पास एक बहुत ही बड़ी आइडिया है, मेरे पास स्मोक है, मैं पूरे में यार स्मोक करके सीधा सा सूट चुरा के भाग जाऊंगा, और एक काम कर दूंगा मैं स्मोक करके इन सबको मार दूंगा। फटाफट से यहाँ पे मैं स्मोक कर देता हूँ पहले तो, और हर तरीके स्मोक हो चुका है, इनको मैंने सबको गोलियां मार दिए, ये वापस उठ रहा है, इसको भी फटाफट से मारते हैं, और ये सूट यहाँ से चुरा के निकलते हैं। अरे ये सूट तो मेरे से गिर गया, इसको पहनते हैं। तो अभी मैंने ये सूट पहन लिया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है, तो बिना किसी टाइम पास के अपन को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्या पता वो आयरन मैन कभी भी यहाँ पे आ जाए, अच्छा वो तो घर पे नहीं था, तो पहले यहाँ पे ऐसे गार्ड खड़े, इनको भी पता नहीं चलना चाहिए मैं इनको मारने नहीं वाला, मैं चुपचाप यहाँ से निकलने जा रहा हूँ, बाय बाय, ढूंढते रहो बिल्ली को, बाय बाय। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं अपने एवेंजर्स हाउस से, और हम जाने वाले सीधा अपने घर पे, हल्क को देने वाला ये सूट, अब देखते हैं हल्क इसका क्या करने वाला है, उसने बोला था कि इसको अपग्रेड करेगा, तो अभी हम यहाँ पे घर पे आ चुके हैं, फटाफट से यहाँ पे चलते हैं। हल्क, मुझे पता चला है तुम मेरा सूट चुराने की कोशिश कर रहे थे। अरे नहीं टोनी, मैं सूट चुराने की कोशिश नहीं कर रहा था। अरे वो मैं हूँ फ्रैंकलिन। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अरे अरे, अरे भाई सॉरी, अरे भाई सूट अपने में चल गया, अरे अरे अपने चल रहा, सॉरी।
अरे फ्रैंकलिन, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया, अब हमें एक और काम करना है। एक और काम? क्या करना है? अब हमें करना है सूट को अपग्रेड। इसमें इतनी शक्तियां हैं कि आयरन मैन को तो मार सकता है, पर अगर वहां पे थॉर और आ गए तो हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे। तो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, वहां से तुम्हें चुराना होगा वाइब्रेनियम। वो सबसे खतरनाक है, अगर तुम वाइब्रेनियम को चुरा लोगे तो हम वाइब्रेनियम का एक सूट बनाएंगे, उससे हम किसी को भी हरा सकते हैं इस पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी भी हमारे कब्जे में होगी। तो अब यार हल्क ने हमें एक और काम दे दिया है भाई, हमें जाना होगा वाइब्रेनियम चुराने, जो कि यार सबसे खतरनाक मेटल है, मतलब उसके जो सूट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पे एक और गाड़ी आ चुकी है। भाई साहब मुझे 2 मिनट काम है, थोड़ा वाइब्रेनियम लेने जाने आता हूँ मैं, 2 मिनट उतरो ना। तो अभी मैंने इनकी गाड़ी तो ले ली, फटाफट चलते उस जगह पे, वो एक बहुत ही सीक्रेट जगह, तो फटाफट से वापस चलते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे वो जगह दिख नहीं रही और मेरी गाड़ी नहीं संभल रही। अरे बहुत ज्यादा तेज हो गया, अरे बचाओ बचाओ, अरे गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है मेरी। अबे कहाँ जा रहा हूँ मेरे को भाई, जो जगह भी यहीं पे कहीं पे उसने बोली थी आराम से। अरे अरे मेरी गाड़ी अटक गई। अरे यार ये क्या हो गया, मुझे गाड़ी से उतरना पड़ेगा, मुझे वो जगह फटाफट से ढूंढनी पड़ेगी। एक सेकंड, ये सामने सबमरीन क्यों खड़ी है? अबे वो जगह पानी के अंदर है क्या? अरे भाई ऐसा तो उसने नहीं बोला था, मतलब बोला था पर वो उसने बोला था कंफर्म नहीं है। अबे मुझे लगता है वो कंफर्म पानी के अंदर होगी, क्योंकि अबे सबमरीन खड़ी है इधर। सबमरीन के अंदर क्या? कुछ सबमरीन के अंदर तो कुछ भी नहीं है, अबे सबमरीन तो बिल्कुल खाली लगी पड़ी है। अबे मैं कहां जाऊं पानी के अंदर? एक काम करते हैं, सबमरीन के अंदर से पानी में चलते हैं और इसके अंदर अपन बैठ जाते हैं। चलते फटाफट, इसके अंदर हम बैठ चुके तो नीचे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, पर इसको मैं लेके गा जाऊं, इतना बड़ा समुंदर है। अरे भाई चल जा, अरे कहां जा रही कहां जा रही कहां जा रही, अरे ठुक जाएगी आराम से, अरे मुझे इससे उतरना चाहिए। तो अभी मैंने यार ये पूरा का पूरा सूट पहने, तो फटाफट से जगह ढूंढते हैं वो कहां है पानी के अंदर। अभी तो बहुत ज्यादा गहरा पानी है। तो अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे पता नहीं इतनी ज्यादा घास है, क्या उग रखी है, लग रहा है किसी ने लगाई है मछली। भागो, अरे मछली आ गई भाई, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अबे भाई जागे कहाँ पे? अबे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ से? भाई मैं घूम चुका हूँ पूरा। अबे कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी कुछ भी। अरे कहाँ जाऊँ? अरे यहाँ से बाहर तो है, चलो यहाँ पे मैं सांस तो ले सकता हूँ आराम से। अरे सांस ले दो, हाँ भाई सही है। तो यार मैं कहीं ना कहीं तो जाए तो कहीं ना कहीं चलते रहते इसकी यार, अपने जो लहरों के साथ ही आगे चलते रहते। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बड़ा कुछ आ चुका है, मतलब यार पानी अंदर इतना बड़ा एरिया तो नहीं हो सकता, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर भाई यार अभी क्या चल रहा है? अबे भाई इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो सकता है कोई एरिया, और यहाँ पे इतनी ज्यादा घास लटक रही है। और एक सेकंड, ये क्या चीज है? अबे ये तो बिल्कुल सीढ़ियों की तरह बना रखा है। ये देखो यहाँ पे सीढ़ियां, तीन चार पांच सीढ़ियां बना रखी है। अबे हाँ, अबे रास्ता तो कहीं जा रहा है क्या? चलो इसके पीछे भी चलते, मेरे पास गन तो है ही, अगर कोई सामने सीधा ठोक दूंगा मैं। देखो ये बिल्कुल सीढ़ियों की तरह बना रखा है, मुझे तो नहीं लगता कहीं पे कोई होगा यहाँ पे। अरे यार नहीं, ऐसे ही बना रखी यार, ये तो ऐसे ही बना रखी है। एक सेकंड, यहाँ पे तो बहुत सारे जने खड़े सामने, और एक सेकंड मेरी स्नाइपर का है, मैं देखता हूँ सामने। अरे भाई साहब यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा जने खड़े, वो भी पूरी की पूरी गन लेके। अरे भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे लग रहा है वो वाइब्रेनियम मुझे यहीं पे मिलेगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब प्लांट करके इनको सीधा सबको उड़ा देते हैं। वो वाइब्रेनियम तो नहीं फटने वाला, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। तो फटाफट से लगाते हैं बॉम्ब और इन सबको ऐसे उड़ा देते हैं। ये लोग बॉम्ब कैच करो, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा टकले खड़े हैं, तो इनको उड़ा देते हैं। और ये सबके सब उड़ चुके, अब यहाँ से फटाफट से वाइब्रेनियम चुरा लेते हैं, और जो भी बचा होगा उसको फटाफट से तुम ठोक देंगे। और भाई कौन बचा है फटाफट से बता दो। और यहाँ पे तो मुझे कोई दिख नहीं रहा, और सामने आग वाग लग चुकी है, और यहाँ पे कोई है तो नहीं ना। अरे भाई नहीं, सबके सब मर चुके लगता है। जाने तुमको क्या लगा, तुम हमको मार दोगे, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? अरे भाई सॉरी, मैं तो यहाँ पे घूमने आया था वैसे। अरे हमें पता नहीं है क्या, तुम वाइब्रेनियम चुराने आए थे, हम तुम्हें मार डालेंगे। अरे सॉरी सर अंकल, प्लीज सॉरी, छोड़ दो हमें। अरे तुम फ्रैंकलिन को मारोगे, ये लो आया मजा, तुम फ्रैंकलिन को नहीं मार सकते, ये लो। अरे हल्क आ गया, अरे हल्क बचा ले मुझे। अरे ये ले। अरे मुझे क्यों मार दिया, पागल है ये तू? अरे सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, अरे मैंने सबको मार दिया। फ्रैंकलिन उठ जाए, ये वाइब्रेनियम हमारा हुआ। तो गाइस यार हमने यहाँ पे सारे जनों को मार दिया, मतलब हल्क बस्टर मैंने मिलकर सबको मार दिया, और यहाँ पे हमारे सारा का सारा वाइब्रेनियम हमारा हो चुका है। अब हल्क हम करने के वाले हैं? अरे अब तुम देखना, हम ऐसा सूट बनाएंगे, हम सारे के सारे एवेंजर्स को मार देंगे। हाँ, मजा आएगा। A few moments later. तो अभी हल्क और मैं हो चुके बिल्कुल तैयार हमारे टाइटेनियम सूट को अपग्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे हल्क ने बिल्कुल पता नहीं क्या ही सेटअप किया है, हमें यहाँ पे लेके आया जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट चलकती है। अरे ज्यादा पास मत जाना, तुम्हें करंट ही लगेगा। अरे यार नहीं जा रहा पास। तो यहाँ पे अभी सूट यहाँ पे हमने रख दिए, तो अभी हम जाने वाले थोड़ा दूर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा करंट के शॉक पड़ने वाले हैं, और टाइटेनियम का कुछ ना कुछ तो बनने वाला है। तो हल्क आ जाए, तू भी पीछे खड़ा हो जा। अरे नहीं, मुझे खड़ा होकर देखना है। अरे देख ले भाई, करंट लग गया तो मेरे को मत बोलना। तो यहाँ
यहाँ पे मैं तो बिल्कुल छुप चुका हूँ, अब यार वहाँ पे थोड़ा करंट दौड़ने वाला है, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, कैसा सूट बनता है। अरे भाई साहब ये क्या होने लग गया, अब भाई पता नहीं कौन सी आगे निकल रही, कौन से करंट निकल रहे, पूरा का पूरा जल रहा है वहाँ पे। अब देखो सर पता क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे हरिक तू ठीक तो ना? अरे हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम भी आ जाओ। अरे रुक जाओ आता हूँ। अरे बंद हो गया, अरे ये फटाके क्यों निकल रहे इसमें से, अरे ये क्या हो गया? अरे हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। क्या सक्सेसफुल हो गया सही में? अरे जाओ सूट देख लो। क्या सूट देख लो? अरे भाई करंट वरंट तो नहीं आएंगे? अरे नहीं आएंगे। अरे चलो जाके देखते हैं। और ये क्या है भाई साहब? अरे ये सूट तो जल गया। अरे तो पूरा काला पड़ गया जल के। अरे नहीं वो टाइटेनियम का रंग है। अच्छा टाइटेनियम का रंग है, अरे भाई इसको पहन लेता हूँ। अरे भाई साहब क्या ही लग रहा हूँ मैं, अब ये सूट में तो बहुत ही खतरनाक पावर और आ चुकी है। अरे इसको ट्राई तो करके देखो। अरे भाई 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 अरे भाई इसमें तो मस्त मिसाइल निकल रही है। अरे भाई क्या ही मजा आ रहा है, मतलब एक मिसाइल लॉन्च करो उसकी 10 मिसाइल हो रही है। इन कार के ऊपर भी ट्राई करते। ओ भाई साहब क्या ही मजा आ रहा है, अभी तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी चीज मिल चुकी है और हमारे पास यार बहुत सारी पावर्स है, इनको हम करने वाले ट्राई। सॉरी सर गलती से लग गई आपको। चलो देखते हैं हमारे पास और क्या क्या। अरे ये कौन है भाई? अबे ये कौन है भाई? ये कौन आ गया? अबे आयरन मैन आ गया। अरे तुम कौन हो? ये कौन सा सूट है? तुम कहां से आए हो? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर इसको पता चल गया कि मैं फ्रैंक हूं तो मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे भाई तो बहुत ज्यादा मार रहा है। अरे भाई मेरा सूट टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। अबे भाई कहां हूं मैं? अरे कहां गया मैं? अबे चक्कर आ रहे मुझे, मेरे को भागना चाहिए। अबे भागना चाहिए। अरे नहीं पर मेरे पास तो टाइटेनियम का सूट है और उसके पास तो नॉर्मल सूट है, मैं इसको मार सकता हूं। मैं खुद ही पिटे जा रहा हूं। अबे रुको इसको आने दो, मैं चुपचाप इसको मारूंगा, उसको मेरी आवाज का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अबे पर मैं मारूं कैसे? अरे मैं उड़ सकता हूं, मैं भाग क्यों रहा हूं? अरे रे मारे जा रहे। अरे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम कौन सी दुनिया से आयो? अरे ये ले निकल यहां से, ये ले टाइटेनियम डार्ट का। अरे भाई साहब अभी ये तो बेहोश हो गया। अरे मर गया कि बेहोश हो गया? अरे नहीं अभी पता नहीं क्या हो गया, मतलब कुछ ना हुआ है। मैंने इसके ऊपर भाई एक टाइटेनियम का डार्ट मारा और ये मर चुका है, मतलब टाइटेनियम इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है, मैंने आयरन मैन को मार दिया। अरे भाई मजे आ गए। तो हाल गेरा तेरा वापस यार सूट ले ले, मस्त टाइटेनियम का बहुत ही बढ़िया सूट है, तू आराम से एवेंजर से लड़ पाएगा। अरे तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अरे हाँ तेरी मदद करूंगा, टेंशन क्यों लेता है। तो गाइस यार आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में फटाफट ज्वाइन फॉलो कर लो, वहां पर बैठ के मस्त मस्त बातें करेंगे। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको अगला पार्ट देखना है तो सब्सक्राइब मारो।